हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस नोट 2 से रिलेटेड। और गाइस, मैं आपको बता दूं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, यूजर्स हैं, वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे वन प्लस नोट 2 के वीडियो के लिए। तो गाइस, मैं आपको ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें फुल डिटेल आपको देखने को मिलने वाली है कि आजकल वन प्लस के अंदर हो क्या रहा है और वन प्लस की टीम किस तरह से काम कर रही है वन प्लस नोट 2 को लेकर। वो सब चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और हमारे पास कौन सा अपडेट आएगा एंड्रॉइड 13 का या एंड्रॉइड 12 का, जो कि C.12 तक हमें रोल आउट हो चुका है, क्या हमें C.13 का अपडेट देखने को मिलेगा? तो गाइस, ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और एक प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं यूजर्स के DMs लेता रहता हूँ। और दोस्तों, लेकिन एक शर्त है यहाँ पर कि आप एक वैलिड प्रॉब्लम अगर मुझे शेयर करेंगे तो मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज नहीं करता हूं मैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, वन प्लस नोट 2 हो या फिर वन प्लस की कोई भी सीरीज हो गाइस, जैसे कि अभी प्रीवियस वीडियोस मैंने डाली है जिसमें हमने आपको बताया है कि भाई वन प्लस ने क्या किया है नोट 2 के लिए, यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का अपडेट रोल आउट किया है और उसमें क्या किया, जनवरी का सिक्योरिटी फेज दिया, जबकि यहाँ पर वन प्लस नोट 2 के अंदर एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट फेज 1 के लिए रोल आउट कर दिया गया था, लेकिन फेज 2 फेज 3 के लिए यहाँ पर क्या कर दिया है, उसको स्टॉप कर दिया गया है। तो गाइज, ये क्या हो रहा है और हमारे वन प्लस नोट 2 के लिए क्या सिचुएशन बन रही है? तो गाइज, मैं आपको बता दूं, देखिए, वन प्लस नोट 2 में C.12 का अपडेट हमें देखने को मिल चुका है। जनवरी में कोई अपडेट नहीं आया, फरवरी हमारी रनिंग में है। तो दोस्तों, आप जनवरी आप बोल सकते हैं कि कई सारे यूजर्स को जनवरी में भी अपडेट देखने को मिला, लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि गाइज, एंड्रॉइड 13 का अपडेट बीटा अपडेट जो कि मार्च में आपको रोल आउट होने की डेट मिली है हम लोगों को, जो हमारे संपर्क में जो डेवलपर टीम है उनसे जो हमारी बात होती है उसमें यही मिला है कि मार्च और अप्रैल का बीच में आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा, बीटा अपडेट। लेकिन दोस्तों, उसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर C.13 का अपडेट भी रोल आउट किया जाएगा एंड्रॉइड 12 के लिए, और उसमें दोस्तों जनवरी का सिक्योरिटी फेज आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं वैलिड हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये अपडेट रोल आउट हो जाएगा वो आपको हमारे वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि भाई, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि दोस्तों हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और दोस्तों, बता दूं कि भाई, जो लोग परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है वन प्लस नोट 2 के अंदर एंड्रॉइड 13 के बाद एंड्रॉइड 12 का अपडेट आया, तो गाइस ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भाई, वन प्लस की टीम एंड्रॉइड 12 पे काम कर रही है, एंड्रॉइड 13 पे काम कर रही है और एंड्रॉइड 14 पे काम कर रही है। पैरेलली तीन जो आपके एंड्रॉइड वर्जन है उसके ऊपर काम कर रही है एंड्रॉइड की टीम, वन प्लस की टीम। तो दोस्तों, ऐसे में क्या हो रहा है कि जिन लोगों को फेज 1 का अपडेट हो चुका है एंड्रॉइड 13 का रोल आउट, उन लोगों को ये अपडेट देखने को नहीं मिला है एंड्रॉइड 12 का। लेकिन दोस्तों, जिनके पास एंड्रॉइड 12 है तो उनको तो बेचारों को कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है वन प्लस की टीम एंड्रॉइड 12 यूजर्स को। अब आपको बता दूं, कल की डेट में आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो नोड C2 यूजर्स को स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया गया है फेज 1 के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि फेज 1 को अब काफी ज्यादा लोग मेरे से क्या बोलते हैं कि IMI नंबर से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपकी भूल है। आप भले ही टेक्निकल हैं या कुछ भी हो, लेकिन याद रखना ये चीज कि आप लोगों को अपडेट आपके मोबाइल के IMI नंबर के बिहाफ पर रोल आउट किया जाता है, उसी से उनको पता चलता है आपका। लोग बोलते हैं कि वो एक तरह से आईडी है, मतलब आईडी प्रूफ जैसे होता है ना, वैसे आईडी है IMI नंबर। जी हाँ, बट लेकिन वो यूनिक आईडी है, ये भी आप सोचिए, हर किसी का मोबाइल की जो IMI नंबर होता है वो सेम नहीं होता है, तो वो यूनिक है, आपका अलग है, मेरा अलग है। तो उसी से हमें पता चलता है, वन प्लस की टीम को पता चलता है कि इसके मोबाइल में क्या इश्यू है और इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो काफी ज्यादा यूजर्स के मेरे पास कमेंट आते हैं कि यार, IMI नंबर से कोई 5G आया, अपडेट में कोई अलग अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो गाइज, ये सच है, आप मानो या ना मानो, लेकिन वन प्लस की टीम और डेवलपर टीम, क्योंकि मैं खुद एक डेवलपर फील्ड से हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भाई IMI नंबर का क्या यूज होता है। तो IMI नंबर से हम यूजर्स की जो यूनिक डिटेल्स है ना, उसके अंदर क्या क्या उसको रिक्वायर्ड है अपडेट के अंदर, वो हम कैच कर सकते हैं और उसके बिहाफ पर हम अपडेट प्रोवाइड कर सकते हैं
उसको नेक्स्ट अपडेट में उस चीजों को जो इश्यूज उसको आ रहे हैं उसको फिक्स करके हम पोस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट अपडेट में उसको। तो गाइज IMEI नंबर का बहुत बड़ा रोल है, ये चीज ना भूलें। तो ओवरऑल मैंने सारी चीजें समझा दी है कि आपको एंड्रॉइड 13 OnePlus Note 2 यूजर्स के लिए बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों Android 12 के अंदर सीधा 13 का अपडेट भी देखने को मिलेगा, जिसमें हमें सिक्योरिटी पेज भी देखने को मिल सकता है, और वो सिक्योरिटी पेज जनवरी का ज़्यादा चांस है देखने को, लेकिन फरवरी का भी हो सकता है वो सिक्योरिटी पेज, हो सकता है स्किप कर दे OnePlus, लेकिन ज्यादा चांस जो देखा जाए 90% चांस है यहाँ पर जनवरी के सिक्योरिटी पेज आने के। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने सारा सब कुछ समझा दिया है इस वीडियो में, फिर भी आप लोगों का कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पर मैं यूजर्स की DMs लेता रहता हूं। तो दोस्तों मिलता हूं बहुत ही जल्द ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक ले दोस्तों गुड बाय।